नमस्कार दोस्तों, प्रॉप एनालिस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारे इंटरव्यू सेशन में हम आपके सामने बहुत सारे रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं, तो फ्रेंड्स आज हमारे पैनल पे बहुत ही खास मेहमान है। हम उसे डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट में लीड्स की जनरेशन को लेकर और लीड्स की मैनेजमेंट को लेकर कितनी सारी दिक्कतें आती हैं और उनके पास इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या मैनेजमेंट है, और वो एक ब्रोकर को, एक बिल्डर को या एक एंड यूजर को किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं उनकी प्रॉपर्टी को इधर बाय करने में या उनकी प्रॉपर्टी को सेल करने में। फ्रेंड्स हमने देखा है कि चाहे रियल एस्टेट के कंसल्टेंट्स हो, रियल एस्टेट के एजेंट्स हो और स्टेट मैनेजमेंट्स हो, तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लीड्स को मैनेजमेंट करने में, लीड्स जनरेट करने में और इनको सेल आउट करने में, प्रॉपर्टी को सेल आउट करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम एक बिल्डर की बात करें तो उनको अपने ब्रोकर को मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और इनका क्या सॉल्यूशन है, आज हम जानने की कोशिश करते हैं अपने खास मेहमान से। तो फ्रेंड्स आइए हम वेलकम करते हैं मिस्टर रितेश आनंद का। आप सीईओ और फाउंडर हैं फेयर पॉकेट के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और उनके पास क्या सॉल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स का। राहुल जी आपका धन्यवाद, आपने फेयर पॉकेट्स को ये प्लेटफॉर्म दिया कुछ अपने बारे में बताने के लिए। एक्चुअली हमने लास्ट ईयर से फेयर पॉकेट शुरू किया है। फेयर पॉकेट्स जो है इसमें दो चीज़ हमारे पास है, एक हमारी वेबसाइट है जो विच वी कॉल इट इंडियाज फर्स्ट प्राइस क्यूरेटेड प्रॉपर्टी पोर्टल, और जो दूसरा है हमारा एक मोबाइल ऐप है। ये मोबाइल ऐप एसेंशियली बिल्डर्स के लिए है और बिल्डर्स इसको ब्रोकर्स, अपने सेल्स यूजर्स, सारी सेल्स टीम को दे सकते हैं। इसमें एसेंशियली तीन चीज़ करते हैं, पहला हो गया प्राइस कैलकुलेटर, दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और तीसरा है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आइए फ्रेंड्स इस सेशन को शुरू करते हैं और रितेश जी से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस वेबसाइट में और इनके ऐप में क्या खासियत है, ये बिल्डरों को किस तरीके से हेल्प करता है, एक ब्रोकर के लिए भी कैसे ये हेल्पफुल है और कंज्यूमर को भी ये किस तरीके से सपोर्ट करता है। तो आइए जानते हैं फेयर पॉकेट के बारे में कुछ रोचक और इंटरेस्टिंग बातें। तो सर आप हमें ये बताइए कि फेयर पॉकेट कैसे एक बिल्डर को, एक ब्रोकर को, एक एंड यूजर को कैसे सपोर्ट करता है, किस तरीके से आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी वेबसाइट की बात करते हैं, तो वेबसाइट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्राइस क्यूरेटेड प्रॉपर्टी पोर्टल है, तो प्राइस क्यूरेटेड का मतलब ये है कि हम लोग प्राइसिंग को वैल्यूएशन करते हैं बिफोर इट गोज लाइव। अभी आप किसी भी प्रॉपर्टी पोर्टल में अगर आप जाते हैं तो कंज्यूमर चाहे जो भी प्राइस वो डाल सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू सपोज 1 CR है तो 70, 80, 90, 100, 110, 120 जिसको जो मन वो डाल देता, कोई कंट्रोल नहीं है। अब इससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि जब कोई एंड यूजर बेचना चाह रहा है तो उसको पता नहीं चलता है कि किस प्राइस पे बेचे और वो गलत प्राइसिंग डाल देता है अपने वेबसाइट पे। बेचने के एसेंशियली देखिए तो दो तीन ही जरिए होते हैं, पहला है एडवर्टाइजिंग, आप ऑनलाइन में एडवर्टाइज कीजिए या प्रिंट में एडवर्टाइज कीजिए, दूसरा जो हो गया वो एसेंशियली ब्रोकर नेटवर्क के थ्रू, जहां आपकी प्रॉपर्टी आप ब्रोकर नेटवर्क को रीच आउट कीजिए, और तीसरा अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप देते हैं। तो बस यही तीन तरीके हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। एडवर्टाइजिंग और ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम्स होते हैं। नाउ एडवर्टाइजिंग में अगर आपने गलत प्राइस डाला, कोई भी चीज़ को अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है यू शुड हैव द राइट प्राइस। अब कंज्यूमर को अगर प्राइस ही नहीं पता किस प्राइस पे बेचना है या किस प्राइस पे खरीदना है तो वो गलत प्राइस डालेंगे। जब वो गलत प्राइस डालेंगे तो उनको रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे, रिस्पॉन्सेज नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। अब देखिए NCR की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, चूंकि हम लोग अभी NCR में हैं, तो NCR में कोई भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल लोगों को लग जाती है। अब आप कितना, योर होल मनी इज एक्चुअली लॉक्ड इन योर प्रॉपर्टी, अपनी लाइफ सेविंग लोग उसमें लगा के रखते हैं और वो बेच नहीं पा रहे हैं जिसके कारण उनका इतना बड़ा पैसा अटका हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, जो पहला चीज करते हैं कि कंज्यूमर को एक सही प्राइस बताते हैं कि किसमें आप बेचो, ये हमारी वेबसाइट का काम है जो फेयर पॉकेट्स करता है। हम उनको हेल्प करते हैं उनकी प्राइस आइडेंटिफाई करने के लिए और वो हमारे वेबसाइट पे डालते हैं, तो इस तरह से हम कंज्यूमर को हेल्प करते हैं। उसके बाद उनको लीड्स आता है, फिर वो फॉलो अप करके दे के डू द सेल्स। अब हमारी बिल्डर की बात करें अगर, तो हमारे बिल्डर ऑब्वियसली अपनी प्रॉपर्टी को हमारी वेबसाइट पर डाल सकते हैं, तो एक तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं लीड जनरेशन में जो हमारी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा जो हम उनको हेल्प करते हैं वो मोबाइल ऐप, हमारी एक मोबाइल ऐप है जो प्राइस ट्रांसपेर, वो बिल्डर को एक्चुअली तीन तरीके से हेल्प करती है अगर आप देखो तो। पहला है प्राइस ट्रांसपेरेंसी, जो
वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है एनसीआर का, जिसके कारण कंज्यूमर ट्रस्ट हैज गॉन अवे एक्चुअली. आजकल कंज्यूमर अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं लेना चाहते, उनको बहुत ही गलत एक्सपीरियंस हुआ है ब्रोकर्स के साथ और कितने फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स के साथ. तो प्राइस को कंट्रोल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमारी एक मोबाइल ऐप है. उस मोबाइल ऐप में आप इन्वेंट्री वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, जो सेल्स एफिशिएंसी बनाती है बेसिकली. और तीसरी जो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम, विच अगेन हेल्प्स यू इन ब्रिंगिंग मोर एफिशिएंसी इन द सेल्स. तो जैसा मैंने बताया आपको, प्राइस कैलकुलेटर ये करता है कि बिल्डर्स अपनी जितनी भी सेल्स नेटवर्क है उसको एक प्राइस दे सकता है और उस प्राइस पर ही सारे सेल्स नेटवर्क ऑपरेट करते हैं, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे ब्रोकर के सेल्स टीम हो, और उसका मास्टर कंट्रोल बिल्डर के पास रहता है. तो बिल्डर को ये पता है कि कौन ब्रोकर कितना प्राइस दे रहा है, वो कोई अपने मन से प्राइस नहीं देता. तो आज क्या होता है, किसी भी कागज में किसी ने कुछ भी प्राइस लिखा, कंज्यूमर को दे दिया, अब कंज्यूमर भी 10 लोगों से बात करता है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण फिर वो खरीदता नहीं है. वो छोड़ता है कि छोड़ो, जब बन जाएगा तभी खरीदेंगे, और जब बन भी गया तो भी 10 ब्रोकर के पास जा रहा है और कंफ्यूजन होता जा रहा है. तो ये हमारी हेल्प बिल्डर्स को है एसेंशियली टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी. एक्चुअली तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो दूसरे ब्रोकर्स हैं, कई तरह के ब्रोकर्स हैं, वो अलग अलग प्राइसिंग कोट करते हैं कंज्यूमर को, तो जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं. करेक्ट. बट आपके इस ऐप के थ्रू वो यूनिफॉर्म रेट की मार्केट में जाएगा, जिससे कस्टमर को क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल रेट क्या है. करेक्ट. और ये बिल्डर कंट्रोल करता है. अभी क्या है कि कंट्रोल सबके पास है. ब्रोकर, अब कोई एक ब्रोकर है वो अपने हिसाब से अपना डाल दिया, किसी दूसरे ब्रोकर ने अपने हिसाब से अपना डाल दिया. यहाँ पर क्या है कि बिल्डर के पास कंट्रोल है और इस ऐप के थ्रू ये सारी प्राइसिंग जा रही है. तो एक ऑफिशियल प्रपोजल जो एक ही जाएगा और वो बिल्डर कंट्रोल करेगा, जिसके कारण ये ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी रहेगी. तो रितेश जी, क्या ये बिल्डर देख सकता है कि कौन ब्रोकर क्या रेट कोट कर रहा है मार्केट में, ऐसा है क्या? बिल्डर एक फ्रेमवर्क दे देते हैं और उस फ्रेमवर्क वो कोटेशन ऐप कोई दूसरा प्राइस लेगा ही नहीं. तो बिल्डर जो प्राइस चाहेंगे कंज्यूमर को देना, बस वही प्राइस वो ऐप लेगा. ब्रोकर कुछ दूसरा दे ही नहीं सकता है. मतलब ऐसा नहीं है कि एक ब्रोकर अगर चाहे तो वो व्हाट्सएप करके या पेपर पे कैलकुलेशन करके कस्टमर को कुछ भी प्राइसिंग भेज दे, नहीं, वो ऐप के थ्रू ही जाएगा और सारी कॉस्टिंग यूनिफॉर्म होगी. करेक्ट. तो फ्रेंड्स, मुझे ये काफी यूनिक और काफी इंटरेस्टिंग ऐप लग रहा है. तो आइए इस ऐप के बारे में और डिटेल में जानते हैं कि कैसे एक बिल्डर के लिए बेनिफिशियल है और बिल्डर अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने सेल्स फोर्स को मैनेज करने के लिए किस तरीके से इस ऐप को यूज कर सकता है. तो अगर डिटेल्स में जाएं तो इसमें यह है कि हम लोग मास्टर कंट्रोल देते हैं बिल्डर को. बिल्डर उसमें से क्या कर सकते हैं कि वो यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं. वो दो तरीके के यूजर्स बनाते हैं. पहला हो गया सेल्स यूजर, जो अपने इंप्लॉयज हो गए उनके. जो दूसरा यूजर है वो ब्रोकर नेटवर्क है. अब ब्रोकर में क्या होता है कि ब्रोकर के अपने सेल्स टीम है, तो ब्रोकर हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करके वो फर्दर सेल्स यूजर बना सकते हैं. इससे क्या होता है कि तीन तरह के स्टेक होल्डर इसमें काम कर रहे हैं. एक्चुअली प्राइसिंग जो है बिल्डर बैकेंड से सारा कंट्रोल कर सकते हैं. बिल्डर अगर कोई मैसेजिंग देना चाहे, फॉर एग्जांपल उन्होंने प्राइस अपलोड किया या कुछ नवरात्रा ऑफर लेके आए या कुछ भी लेना चाहे, तो वो उस ऐप के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं. जितने भी क्लाइंट से यूजर्स की बात हो रही है उसका रिमाइंडर नोटिफिकेशन सारे कुछ इस ऐप में आपको मिल सकते हैं. बिल्डर की जितने भी कोलेटरल्स है, चाहे वो ब्रोशर्स हो गया, वीडियोज हो गया, वॉक थ्रूज हो गया, इमेजेस हो गया, वो टाइम टू टाइम दे कैन अपडेट और वो बेसिकली सीधे कंज्यूमर को भेजा जा सकता है थ्रू दिस ऐप एक्चुअली. तो ये सारी बेनिफिट हैं जो इस ऐप में है. इसके अलावा अगर आप देखें तो ब्रोकर वेबसाइट पे आके ब्रोकर भी हमारे वेबसाइट पे लिस्टिंग कर सकते हैं और लिस्टिंग करके वो लीड जनरेशन का काम कर सकते हैं. तो ब्रोकर के लिए जो अभी है वो इसेंशियली वो लीड जनरेशन कर सकते हैं. किसी भी बिल्डर से अगर उनको कोई राइट टू सेल मिला हुआ है तो उसको वो फर्दर अपने सब यूजर्स में डिवाइड करके सारे प्राइसिंग और इन्वेंटरी वगैरह सारा कुछ उसमें चेक कर सकते हैं. तो ये हमारी चीज अभी करती है. तो रितेश जी से हम जानना चाहेंगे कि आज के दिन हमने देखा है कि एक ब्रोकर, कई सारे पोर्टल्स पर उन्होंने अपनी आईडी बना रखी होती है और कुछ पैसे पे करके दे आर गेटिंग सम लीड्स. लेकिन क्या होता है, जैसे उनके पास 100 लिस्टिंग मिलती है, उसमें से उनको शायद 10 से 15 लीड्स ऐसे होते हैं जो उनके काम के होते हैं, 80 से 85 लीड्स उनके वेस्टेज हो जाती है. तो हम जानने की कोशिश करते हैं रितेश जी से कि क्या उनके पास कुछ इस तरीके का भी कोई सॉल्यूशन है, इस जो लीड्स वेस्टेज हो रही है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है इनके पास?
एक्चुअली अगर लीड वेस्टेज की बात करें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना ही सिर्फ रियल एस्टेट में बट सारी इंडस्ट्री में, बट अगर हम लोग रियल एस्टेट की बात करें तो ब्रोकर्स हैं वो लीड या बिल्डर्स हैं तो वो लीड के लिए मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी पोर्टल्स हो गया, गूगल एडवर्ड, फेसबुक एड्स, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप कैंपेन, डेली आपको मैसेजेस आते होंगे, तो ये सारी तरीका लीड जनरेशन के लिए यूज़ होता है। अब क्या होता है कि जैसा आपने बताया कि काफ़ी सारे लीड्स आते हैं बट उसमें काम के हार्डली रहते हैं, और अगर आप ट्रांजैक्शन देखो तो और भी कम हो जाते हैं एक्चुअली। तो ये वेस्टेज लीड का करा क्या जाए? तो हम लोग इस बारे में कुछ काम कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये अभी तक इस प्रॉब्लम को इंडिया में कोई सॉल्व नहीं कर रहा है एक्चुअली। सारे लोग लीड जनरेशन पे लगे हुए हैं और किसी को सबको बस पर लीड जो भी अमाउंट है 300, 500, 400 जो भी प्राइस है उसके हिसाब से दे आर ट्राइंग टू जनरेट, बट हम लोग इस पे कुछ काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्दी आपको इसके बारे में कुछ बहुत पुख्ता सोल्यूशन लेके आ रहे हैं जिसमें काफ़ी लोगों का पैसा बचत होगा। ब्रोकर भी आज के मार्केट में बहुत नहीं कमा पा रहे हैं, बिल्डर की भी फाइनेंशियल हालत तो सब लोगों की ख़राब है, तो जितनी जगह से पैसा बचाया जाए और उसको रिसाइकिल किया जाए, तो इस तरीके का कुछ सोल्यूशन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ही इसका सोल्यूशन देगा और जल्दी हम लोग इसका सोल्यूशन लेके आने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में जल्दी बताने वाले हैं। तो राहुल जी देखिए, अभी जो आपको भी पता होगा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग कितने पैसे डालते जा रहे हैं और कुछ लीड निकल के आ रहा है। सपोज 100 लीड निकल के आया, 100 लीड में 10 लीड ऐसा है जिससे आपकी रेगुलर बात होती है, 20 लीड तो आप वेस्ट कंप्लीट मान लो जो कोई काम का नहीं, किसी के भी काम का नहीं तो उसको हटा दो, तो बचे 80। 10 रेगुलर काम वाले होंगे, 20 ऐसे होंगे जिनकी आपकी थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन उसके अलावा जितने भी लीड है वो आप दो बार बात करके फिर आप कभी उनके पास नहीं जाते और आपके डेटा बैंक में कहीं पड़ा रहता है, लेकिन हो सकता है वो लीड किसी और के काम का हो। तो हमारी जो सोल्यूशन है इसी के अराउंड बेसिकली इर्द गिर्द रहेगी कि आपकी जो वेस्टफुल लीड है लेकिन दूसरे के लिए जो काम की है उनको कैसे पहुंचाया जाए और कैसे उसको ये पूरा टेक्नोलॉजी के सहारे इसका एक सोल्यूशन बनाया जाए, तो इसी के अराउंड हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपका भी क्या हो रहा है कि आपका भी सेविंग हो रहा है और आप बेसिकली अपने कुछ पैसे बचा भी पाओगे और ROI और लीड जनरेशन आप बढ़ा पाओगे बेसिकली। तो फ्रेंड्स, आपने सुना कि वाकई में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगर जो हमारी लीड्स हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, अगर हम उसे किसी तरीके से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं या किसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं तो दिस विल बी अ वेरी गुड आइडिया। तो हमें भी इंतजार रहेगा कि जल्दी से जल्दी रितेश जी इस टेक्नोलॉजी को लेकर आए ताकि हमारी जो पैसे की और लीड्स की जो वेस्टेज होती है वो सॉर्ट आउट हो सके। तो आइए रितेश जी से अगला क्वेश्चन लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर मार्केट में जैसा हमने देखा कि कई सारे और भी टॉप क्लास के पोर्टल्स हैं, कई सारे नामी गिरामी ग्रुप्स हैं जो उनको हैंडल करते हैं और जो मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं उनको सब्सक्राइब करके लीड्स वगैरह जनरेट करते हैं, तो आपका जो पोर्टल है, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है कैसे डिफरेंट है इन सारे पोर्टल्स से? अगर आप देखिए तो काफ़ी सारी पोर्टल हैं, मेरे को लगता है कि 2-4 बड़े ग्रुप से हैं पोर्टल्स और बाकी भी काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जो काफ़ी दिन से हैं। अगर आप देखिए तो सारे पोर्टल का बस एक ही काम है, वो लिस्टिंग डालवाते हैं और उनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो लीड या ब्रांडिंग सोल्यूशंस के अराउंड है और वो बिल्डर्स और ब्रोकर्स के अराउंड है। हम लोग अभी इसके अराउंड बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो सोल्यूशन है, जैसे हमने बताया आपको, हमारी एक मोबाइल ऐप है जो बड़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो अभी मेरे को नहीं लगता है किसी के पास है उस तरीके का। प्लस जो और भी कितने सारे प्रॉब्लम्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी कोई उस तरह के प्रॉब्लम में काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। सारे लोग एक ही तरह के चीज़ में फोकस्ड हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए अपने वेबसाइट से, उस ट्रैफिक से लीड जनरेशन होगा और उसी लीड को वो बेच के अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ऑब्वियसली ट्रैफिक हम लोगों को भी चाहिए, बट अभी जैसे वेबसाइट के बारे में मैंने बताया, तो वेबसाइट पे भी हमारा जो यूनिकनेस है कि हम लोग वैल्यूएशन करते हैं हर प्रॉपर्टी का और वो अभी कोई नहीं करता है एसेंशियली। वो लोग सब कंज्यूमर को अलाउ करते हैं कि, बट कोई कंज्यूमर को गाइड नहीं करता है। तो सबसे पहला डिफरेंशिएटर वेबसाइट पे देखिए तो हम लोग कंज्यूमर को गाइड करते हैं जो अभी कोई नहीं करता है। दूसरा, हमारे पास मोबाइल ऐप है। तीसरा है कि हमने जो काफ़ी सारे सोल्यूशंस हैं जो अभी कंज्यूमर के लिए भी हम लोग कुछ कुछ और सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं जो अभी कोई नहीं कर रहा है। तो हमारा जो देखिए रियल एस्टेट में अगर टेक्नोलॉजी का देखिए तो 2004-05 से मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर, काफ़ी सारे लीडिंग प्लेयर्स आए और ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट उसके बाद भी काफ़ी सारे पोर्टल्स आए लेकिन सबका है कि एक ही तरीके के प्रॉब्लम पे सब फोकस कर रहे हैं। अब इंटरनेट मीडिया में क्या होता है कि पहला दूसरा, अब सर्च करते हैं तो गूगल को आप जानते हैं, आप याहू को थोड़ा बहुत कीजिएगा,
इंटरनेट पे कोई भी आप इंडस्ट्री पकड़ लो तो पहले दूसरे के अलावा तीसरे का कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बेसिकली अगर आप सेम कॉन्सेप्ट पे आए। तो हमारा जो फोकस है वो वेबसाइट ऐप और भी चीज़ें जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा एक बार जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे तो रेवेन्यू डेफिनेटली जनरेट होगा। तो ये हमारा है बेसिकली मोटिव। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं रितेश जी से और हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो रियल एस्टेट में हमने देखा है कि एक कंज्यूमर जो एक कस्टमर है जिसके पास प्रॉपर्टी है अगर वो बेचना चाहता है तो डिफरेंट पोर्टल्स पे वो अपनी लिस्टिंग करता है, कई सारे ब्रोकर्स से भी वो शेयर करता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बिकने में कई बार महीने और कई बार सालों का टाइम लग जाता है। तो क्या इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है रितेश जी के पास, आइए जानते हैं उन्हीं से। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है राहुल जी एक्चुअली, और ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन हमारा एक बहुत बड़ा एजेंडा है। और ये प्रॉब्लम एक्चुअली मैंने भी बहुत बार फेस किया है। मैं जैसे आपको बता रहा था मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी करता रहा हूँ, मेरी इंटरेस्ट रही है, बम्बई में, दिल्ली में काफ़ी जगह किया हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी जब मुझे बेचना रहता था, क्योंकि बेचने में क्या होता है खरीदना तो बहुत आसान है, मैंने लोन ले लिया, कुछ अपना पैसा मिलाया और घर खरीद लिया। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो मैंने ये पाया, जैसे मैंने बताया था, केवल दो तीन ही तरीके हैं बेचने के, या तो ब्रोकर के पास आप जाओ या तो एडवर्टाइजिंग करो। एडवर्टाइजिंग किया मैंने और मैं वेट कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही है, बिक नहीं रही, मुझे पैसे की ज़रूरत है। उसी तरह जब ब्रोकर के पास गए तो ब्रोकर डायरी में नोट कर लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं इस पर काफ़ी सोचा कि क्या क्यों ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मतलब कंज्यूमर, एक्चुअल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो उनको एक तो प्राइस की जानकारी भी थोड़ी कम होती है, तो उनको एक वेग आइडिया है कि मेरा घर 70 का होगा, 75 का होगा, 80 का होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना है वो है। अब आप कुछ अगर एक पेन भी खरीदने जाते हैं तो अगर किसी ने ज्यादा प्राइस कुछ बोला या गलत प्राइस बोला तो आप ऑब्वियसली उसमें अट्रैक्टेड नहीं होंगे। तो घर तो और बहुत बड़ी चीज है, थोड़ा भी प्राइस आपने ऊपर नीचे हो गया तो 5 लाख का अंतर आ जाता है जिसमें कोई आपके पास आएगा ही नहीं। तो उसी लिए हमारी जो पोर्टल है, हम लोग क्या करते हैं कि एक कंज्यूमर को गाइड करते हैं कि क्या प्राइस पे वो बेचे। एक हमारा एक वैल्यूएशन का टेक्निक है, जो हमारा अपना प्रोप्राइटरी टेक्निक है, उसके थ्रू हम लोग वैल्यूएशन करके हम लोग कंज्यूमर को ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए ये जो प्राइस है ये सही है। अगर वो ओनर्स हैं बेसिकली, वो चाहते हैं कि नहीं मुझे ये एक्स अमाउंट में बेचना है, अब वो रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मुझे उसी में बेचना है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि साल दो साल उनकी प्रॉपर्टी पड़ी रहेगी और दाम शायद कम भी हो जाए, आजकल तो कम भी होता है, दाम कम हो जाए तो उनको लॉस है। अगर आज उनको ये पैसा मिल जाता है उसको एफडी में भी रखेंगे 6-7% इंटरेस्ट, यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ मनी दे आर लूजिंग एक्चुअली। तो हमारा जो सबसे पहला वेबसाइट काम करता है कि हम लोग कंज्यूमर को हेल्प करते हैं कि किस प्राइस पर डालें वैल्यूएशन करके, और वो उनको फर्दर फिर हेल्प करता है लीड जनरेशन में और बेचने में एक्चुअली। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली। हमने ये भी देखा है कि जो यही प्रॉपर्टी जो कंज्यूमर एक ब्रोकर को शेयर करता है तो ब्रोकर फिर उसकी प्राइसिंग जो है कोटेशन जो कम डालता है, सपोज 70 लाख की प्रॉपर्टी तो 60 लाख की प्रॉपर्टी डालता है ताकि उसके पास इंक्वायरी जाए। तो कई बार ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। हाँ। तो अब देखिए ये बिहेवियर है बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, करेक्ट। तो अगर आप देखिए तो ब्रोकर के बिहेवियर और कंज्यूमर के बिहेवियर बिल्कुल अलग होती है एडवर्टाइजिंग के माध्यम से अगर देखा जाए। तो अगर ब्रोकर कोई है तो ब्रोकर को क्या है, ब्रोकर को डेली लीड चाहिए क्योंकि उसका घर चलता है वहां के ट्रांजैक्शन से। तो वो क्या करता है, वो कम प्राइस डालता है जनरली, प्राइसिंग कम डालती तो मेरे पास इंक्वायरी जाएगी और फिर उनसे बात करके हम उसको बताएंगे कि नहीं जी इसमें लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे और उन पे लीड भर देंगे, उनसे बात करना चाहेंगे। अब ओनर को क्या होता है, ओनर को लगता है कि नहीं वो थोड़ा दाम ज्यादा डालता है ये सोच के कि जब कोई आएगा तो मैं कम कर दूंगा, और उसमें कोई आता ही नहीं है। तो ये एक बड़ा चिकन एंड एग है बेसिकली, और ये एक प्रॉब्लम रही है बिहेवियर में। तो उसी बिहेवियर को कंज्यूमर साइड से हम लोग एड्रेस करना चाह रहे हैं ताकि कंज्यूमर डायरेक्ट भी बेच सकें, ब्रोकरेज भी बचा सकें, और बेसिकली दे गेट मोर एंड मोर रिटर्न ऑन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड, बिकॉज प्रॉपर्टी सबकी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट रहती है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि फेयर पॉकेट जो वेबसाइट है उसमें आपको जो एक्चुअल प्रॉब्लम है आपकी, जिसमें कि प्राइसिंग की हम बात करते हैं, तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें आती हैं, ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें आती हैं, तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला है रितेश जी ने उनके वेबसाइट के थ्रू, कि उनकी प्राइसिंग की कैलकुलेशन बहुत ही टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग होती है,
जिसमें वो हेल्प कर दें कि उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल प्राइसिंग अपने वेबसाइट पर डालें और ट्रांजेक्शन में उनको हेल्प करें। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरीके से रियल एस्टेट में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन यानी प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह ये रिनेश जी काम करना चाहते हैं और इसी के लिए इन्होंने फेयर पॉकेट के नाम से अपना ये वेंचर शुरू किया है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में एक बिल्डर को, एक ब्रोकर को, एक एंड यूजर को ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प करेगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स रियल एस्टेट में है उसको सॉर्ट आउट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हम थैंक्स करना चाहेंगे अपने गेस्ट रितेश जी का। थैंक यू वेरी मच रितेश जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, हमारे पैनल पर आए। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रॉप एनालिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया अपने बारे में कुछ बताने का। और जैसे जैसे नई चीज़ हम लोग लाते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल, और हम भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे फ्रेंड्स, नए अपडेट्स के साथ और फिर से रितेश आनंद जी के साथ दूसरा सेशन रखेंगे। हम जानेंगे कि उनकी टेक्नोलॉजी में, उनके वेबसाइट पे और ऐप पे क्या क्या नई डेवलपमेंट हुई है और वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में, अगले वीडियो में, और तब तक देखते रहिए प्रॉप एनालिस्ट। थैंक यू वेरी मच।